राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान उनके कई तरह के कार्यक्रम लगे हुए हैं। विदेश में उनके साथ उनके ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा भी हैं। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों को संबोधित किया। सैम पित्रोदा इस दौरान राहुल गांधी की कई जगह पर प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं कि सैम पित्रोदा ने अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी के लिए क्या कुछ कहा। Hoping that we will all work together in Mr. Gandhi, Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no papu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject. And sometimes it is not very easy. सैम पित्रोदा ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि राहुल गांधी या पप्पू नहीं है, उनके पास विजन है जो बीजेपी की ओर से करोड़ों रुपए खर्च करके प्रचारित किए जाने वाले विजन से अलग है। राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, किसी भी विषय पर गहरी सोच रखने वाले रणनीतिकार हैं। कई बार उनको समझना आसान नहीं होता। वहीं राहुल गांधी अपने अमेरिकी दौरे के दौरान टेक्सास के ग्लाश में कहा कि विपक्ष जनता की आवाज होता है, घटनाओं का एक क्रम चलता रहता है। संसदीय कार्यवाही को लेकर उन्होंने कहा, आप सुबह संसद जाते हैं, फिर एक युद्ध की तरह उसमें कूद पड़ते हैं, आप लड़ते हैं, यह एक सुखद युद्ध है, कभी मजेदार तो कभी बुरा भी हो सकता है, मगर यह विचारों और शब्दों का युद्ध है। राहुल गांधी ने कहा, जब आप राजनीति में नए होते हैं तो सोचते हैं कि ये एक मुद्दा है, लेकिन विस्तार से देखते हैं तो एहसास होता है कि इसमें बड़ा बारीक भेद है। इसको समझने के बाद अपने दिनों के कार्यक्रम की योजना बनाते हैं। टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कौशल की कोई कमी नहीं है, जिनके पास कौशल है उनको सम्मान नहीं मिल रहा। क्या आपने एकलव्य की कहानी सुनी है? भारत में जो कुछ हो रहा है, अगर इसे समझना चाहते हैं तो यहाँ के लाखों करोड़ों एकलव्य की कहानी आए दिन सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि कौशल वाले लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। कई लोग कहते हैं कि भारत में कौशल की समस्या है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। कौशल का सम्मान करके और कुशल लोगों को आर्थिक और तकनीकी मदद देकर भारत की क्षमता को उभारा जा सकता है। अब सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद बीजेपी इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने में लगी हुई है। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के गुरु कहते हैं कि उनको समझना आसान नहीं होता है। खैर, ज़्यादातर समय ऐसा ही करें, उनकी गलतियाँ ही ऐसी होती हैं जिसको किंवदंती बनती हैं। आपको फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।